प्लीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुवैत में एक नया एंट्री वीजा खोलने का ऐलान किया गया है। आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये एक मौका है आप सभी के लिए। अगर आप भी चाहे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कुवैत अनाउंस न्यू एंट्री वीजा कैटेगरी। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस शेख तलाल अल खालिद इशू एडिशन टू एड ए न्यू क्लोज टू आर्टिकल 4 ऑफ मिनिस्ट्रियल रेजोल्यूशन नंबर 9572019 व्हिच stipulated to introduce a new type of entry visa to Kuwait। एक नया entry visa Kuwait में खोला जा रहा है जिसके बारे में आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपका भी काम पे आ सकता है। गाइस, ये जो नया वीजा के बारे में बताया जा रहा है, ये वीजा का वैलिडिटी 3 महीने का रहेगा, 3 मंथ्स का वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 1 साल तक, 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल का अंदर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो ये वीजा में, उससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते हो। इसमें यह बताया गया है कि एक मिनट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द रिजन द वीजा अलाउ इट्स होल्डर टू टेम्पोरली रिसाइड इन द कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड इट मे बी रिन्यूड, ये हो सकता है रिन्यू हो सकता है फॉर ए पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 11 ऑफ। तो ये बताया गया है कि 3 महीना का ये वीजा रहेगा, 3 महीना का, उसे आप लोग रिन्यू कर सकते हो डेट ऑफ एंट्री से, जिस दिन आप एंट्री करोगे उस दिन से लेके 1 साल तक, 1 साल का अंदर तक आप लोग इसको रिन्यू करवा सकते हो, 1 साल से ज्यादा नहीं। ये वीजा 3 महीना का रहेगा, 1 साल तक आप इसको रिन्यू करके 1 साल तक आप यहाँ पे कुवैत में रह सकते हो। 1 साल पूरा होने का बाद आप लोग इसको रिन्यू नहीं कर सकते हो, यह बताया गया है इसमें। तो मेन इंपॉर्टेंट, ये वीजा किस कैटेगरी का है, जो नया कैटेगरी खोला जा रहा है वीजा के लिए, ये किस कैटेगरी का वीजा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीजा है ये फॉर स्पोर्ट्स कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है एंड आप कुवैत में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स में या कल्चरल या सोशल एक्टिविटीज के कारण। अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं तो आप लोग ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी बताया गया है, स्पोर्ट्स कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज। इस कामों में अगर आप कुवैत में विजिट करना चाहते हैं, कुवैत में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर आ सकते हैं कुवैत में। 3 महीना का रहेगा वीजा, उसके बाद अगर आपका जरूरत का हिसाब से आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल तक आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपका सीखना खत्म नहीं हुआ या आपका कुछ काम है और बचा हुआ है तो आप लोग करवा सकते हैं इसको। तो ये वीजा कैटेगरी उसी कैटेगरी के लिए खुला जा रहा है, स्पोर्ट्स के लिए, सोशल एक्टिविटीज एंड कल्चरल के लिए। ऑल्सो गाइस, ये भी बताया गया है कि दिस वीजा इज इशूड बाय द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंस अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिक्वेस्ट सबमिटेड बाई वन ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब्स एंड एक्रेडिटेड कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन बॉडीज एंड एसोसिएशन इन द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रोल सेट बाई द जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंस अफेयर्स। ये वीजा इशू किया जाएगा जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंस अफेयर बेस्ड ऑन ए रिक्वेस्ट सबमिटेड, जो रिक्वेस्ट सबमिट किया जाएगा स्पोर्ट्स क्लब या कोई कल्चरल सोशल इंस्टीट्यूशनल बॉडीज एंड एसोसिएशन के द्वारा, जो रिक्वेस्ट सबमिट किया जाएगा इसका बेस पे ये वीजा इशू किया जाएगा। तो गाइस, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस कैटेगरी में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये वीजा के लिए, आप लोग कुवैत में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।